जी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, उनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंतित ही रहते थे और कभी भी खुश नहीं रहते थे। तो अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो एक गुरु के पास जाते हैं और अपनी सारी परेशानी बताते हैं। तो वो गुरु कहते हैं कि तुम कल ठीक इसी वक्त मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊंगा। फिर वो अमीर व्यक्ति अगले दिन वापस से उसी टाइम पर उस गुरु के पास जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वो गुरु कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं और वो अमीर व्यक्ति उस गुरु से पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, और वो गुरु कहते हैं मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। फिर वो अमीर व्यक्ति भी उस गुरु के साथ मिलकर अंगूठी ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी किसी को भी वो अंगूठी मिलती नहीं है। तो वो अमीर व्यक्ति गुरु से पूछता है कि आपने अपनी अंगूठी कहाँ गिराई थी। तो वो गुरु कहते हैं मैंने अपनी अंगूठी अपनी झोपड़ी के अंदर गिराई थी, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है, इसीलिए मैं बाहर उजाले में ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो अमीर व्यक्ति बहुत ही चकित हो जाते हैं। फिर गुरु कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम का भी यही सलूशन है, खुशी तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन फिर भी तुम अपनी खुशी को चीजों में, पैसों में ढूंढ रहे हो। इस बात से मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें भी खुशी बहुत भरपूर से दिया है और हमारे अंदर ही वो खुशी है। वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो इसीलिए आप हमेशा खुश रहें और अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढें, अपने आसपास की चीजों में या आसपास के लोगों में नहीं, अपने अंदर ही उस खुशी को ढूंढ निकालें। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।